Hello student, welcome to e-learning. Today I'm Alok in front of you to tell you the first chapter of your book, that is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Now the main points of the chapter first. The author's grandmother was a very old woman. Jo likha ki grandma hai, wo bahut boodhi hai. She was so very old that it was difficult to imagine she could ever have been young. इतनी बूढ़ी कि ये इमेजिन करना मुश्किल है कि वो कभी यंग भी हुई होगी एंड प्रिटी या खूबसूरत भी रही होगी और हैड इवन अ हस्बैंड या फिर उसका कोई हस्बैंड भी हुआ होगा. हिज ग्रैंडफादर हुज पोर्ट्रेट हंग इन द ड्राइंग रूम, उसकी ग्रैंडफादर जिनका पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, वाज ऑलरेडी डेड, उनकी डेथ हो चुकी है. एंड ही टू लुक वेरी ओल्ड, और वो भी बहुत बूढ़ा लग रहा है. So very old that he did not look the sort of person who would have wise of wife or children. वो इतना बूढ़ा लग रहा है कि ऐसा नहीं लगता उसको देखकर कि या कभी उसके बीवी हुई होगी या बच्चे हुए होंगे. He looks as if he could only have lots of grandchildren. उसे देख के सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके बहुत सारे पोते पोतियां होंगे. The author says, लेखक कहता है, that his grandfather's face was a crisscross of wrinkles. उनके पूरे चेहरे के ऊपर, ग्रैंडमदर के फेस के ऊपर बहुत सारी झुर्रियां पड़ी हैं जो क्रिसक्रॉस रूप में हैं, जो तिरछी आड़ी टेढ़ी पूरे चेहरे पे सिर्फ झुर्रियां ही नजर आती हैं. She had silver locks. काफी सारे silver locks हैं उस पर. And she had a stump in her back. कमर से वो थोड़ी सी झुकी हुई है. And she had to keep one hand on her waist. और उसको एक हाथ अपनी कमर के ऊपर रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू कीप हर बैलेंस, ताकि वो बैलेंस बना कर सके. एंड व्हाइल मूविंग अबाउट, जब भी वो इधर उधर चलती है. एंड शी वोर स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स, बिना किसी दाग के निशान के वो सफेद साड़ी पहनती है और सफेद कपड़े पहनती है. शी ऑलवेज कैप्ट चैलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और हमेशा रोजरी उसके हाथ में रहती है, यानी कि वो हर वक्त माला जपती रहती है. And her lips constantly moved in silent prayer. और उसके जो होंठ हैं वो लगातार बुदबुदाते रहते हैं, प्रार्थना को, प्रेयर को करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं. The author lived with his grandmother. जो लेखक है वो अपनी दादी के साथ रहता है in the village, गांव के अंदर. His parents has moved to the city. और उसके माता पिता जो हैं वो शहर पे आ गए हैं. Every morning the grandmother woke the author. हर सुबह दादी माँ लेखक को जगाती है. एंड प्रिपेयर हिम फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती है. देन आफ्टर ब्रेकफास्ट, और फिर ब्रेकफास्ट के बाद बोथ ऑफ देम लेफ्ट फॉर स्कूल, दोनों ही स्कूल के लिए निकल जाते हैं. शी कैरीड सम स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग, और अपने साथ वो कुछ बासी चपातियां साथ लेके जाती है ताकि जो विलेज के स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वो दे सके, फीड अप कर सके. द विलेज स्कूल वॉज अटैच्ड टू अ टेम्पल, जो गाँव का स्कूल था वो मंदिर के साथ अटैच था. एंड द प्रिंस टॉट द चिल्ड्रन द अल्फाबेट्स, और वहाँ का पुजारी बच्चों को अल्फाबेट्स सिखाता था. एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी. व्हाइल द ऑथर स्टडीड इन द वरांडा, जब वो आंगन में बैठ के लेखक पढ़ता था अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ. हिज ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उसकी दादी माँ अंदर मंदिर में बैठती और ग्रंथों को पढ़ती थी. After school, the two walked back home together. School के बाद दोनों साथ साथ वापस आते. And they would feed the village dogs. और आते समय गांव के कुत्तों को वो feed up भी करते, खिलाते भी. With the chapatis that they had with them, उन चपातीस को जो वो अपने साथ लेकर आते थे. The author and his grandmother had now started living in city. और अब दोनों जो लेखक हैं और उसकी दादी माँ शहर में आ गए थे रहने के लिए. With the author's parent, लेखक के माता पिता के पास. द ऑथर वॉज सेंट टू एन इंग्लिश स्कूल, और उसे एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया इन सिटी, शहर के अंदर. सीन्स देर वर नो डॉग्स इन द सिटी, उस समय शहर में कोई कुत्ते नहीं थे. एंड ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरो, और इसीलिए दादी माँ ने स्पैरोज को, चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया. शी वॉज अनहैप्पी दैट शी कुड नो लॉन्गर हैव द ऑथर विद हिज ब्लेसिंग, दादी माँ बड़ी दुखी रहती थी क्योंकि अब वो ऑथर की मदद नहीं कर पाती थी उसके स्कूल के वर्क में. Moreover, she hated many of the things he was taught in his new school. और हालांकि उसको काफ़ी सारी उन बातों से नफरत हो गई थी, चिड़ मचती थी, बुरी लगती थी जो उसे स्कूल में सिखाई जाती थी. Thus a great change came in their friendship. और इसीलिए उन दोनों की दोस्ती में एक गहरा बदलाव आया. Now she really talked to him. और वो अब बहुत कम ही उससे बात करती थी, लेखक से. The author was given a separate room.
अब दोबारा उनके जीवन में एक बदलाव आता है जब लेखक के लिए सेपरेट रूम मिलता है इन द हाउस, घर के अंदर, व्हेन ही वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है। नाउ द ग्रैंड मदर स्पेंट मोस्ट ऑफ अ टाइम एट द स्पिनिंग व्हील, अब दादी माँ का ज्यादातर समय जो है चरखा काटने में बीतता है। ऑल द टाइम शी कैप्ट रेसिटिंग हर प्रेयर, हर वक्त वे अपनी प्रार्थनाओं को जपती रहती है। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर के समय, शी थ्रू लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड टू द स्पैरो, रोटियों के टुकड़े करके वो चिड़ियों को खिलाती है। हु केम इन हंड्रेड्स एंड सैट अराउंड हर, जो काफी सारी चिड़ियां जो तादाद काफी तादाद में आती हैं और दादी माँ के चारों तरफ बैठ जाती हैं। कोई उसके कंधे पर बैठता है, कोई उसके सर के ऊपर, कोई उसके हाथों पर, कोई उसके पैरों पर, लेकिन वो किसी को शो अप नहीं करती और सारी चिड़ियां उसके साथ बैठी रहती हैं और खाती हैं। दादी माँ का वो एक घंटा बहुत खुशी भरा होता है जिसमें सबसे ज्यादा उसे खुशी मिलती है। सम इवन प्रीज्ड ऑन हर लेग्स एंड शोल्डर्स, इट्स यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे ऑफ हर, दादी माँ के लिए दिन भर का सबसे खुशनुमा समय होता है। द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर 5 years, बदलाव एक और आता है जब लेखक 5 साल के लिए फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चला जाता है, विदेश चला जाता है। ग्रैंड मदर केम टू द रेलवे स्टेशन, दादी माँ उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती है टू सी हिम ऑफ, एंड शी डिड नॉट शो एनी इमोशन, उस समय भी वो अपने कोई इमोशंस शो नहीं करती है। हर लिप्स वॉज कंस्टेंटली मूविंग इन प्रेयर, उसके जो होंठ थे वो लगातार प्रार्थना के लिए चलते रहते हैं। एंड हर फिंगर्स वर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी जो उंगलियां हैं वो रोजरी को जपती रहती हैं, माला को जपती रहती हैं। शी किस द ऑथर्स फोरहेड, वो लेखक के माथे को चूमती है एज अ ट्रेन लेफ्ट, जब ट्रेन विदा होती है। द ऑथर केम बैक आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद लेखक वापस आता है। ग्रैंड मदर डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, दादी माँ के अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता, वो वैसे ही प्रतीत होती हैं, वैसे ही दिखती हैं। एंड शी रिसीव्ड द ऑथर अफेक्शनेटली, बहुत प्यार के साथ वह उसका स्वागत करती है। एंड शी फेड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, दोपहर में वो अपना नियम चालू रखती है और चिड़ियों को फीड अप करती रहती है। एंड इन द इवनिंग शी कलेक्टेड द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, और शाम के समय पड़ोस की औरतों को एकत्रित करती है। देन शी टुक एन ओल्ड ड्रम, और एक ढोलक ले लेती है, एंड सैंग फॉर मैनी आवर्स, और कई घंटों तक गीत गाती है। इट वॉज अ फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था दैट द ऑथर हैड नॉट सीन हर से हर इवनिंग प्रेयर, कि जब लेखक ने उसे शाम की प्रार्थना करते हुए नहीं देखा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली ही सुबह, ग्रैंड मदर वॉज टेकन इल, दादी माँ बीमार पड़ जाती है। इट वॉज अ मिड फीवर, ये माइंड फीवर था, मामूली बुखार था, बट शी सैड, लेकिन वो कहती है दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उसका अंत नजदीक आ गया है। शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी टाइम इन टॉकिंग टू एनी बडी, और इसलिए वो किसी से भी बात करके अपना समय व्यर्थ खराब नहीं करना चाहती। एंड शी स्टार्टेड प्रेइंग, और वो अपनी प्रार्थना चालू कर देती है। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी माला जपने लगती है। इवन बिफोर एनी बडी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि किसी को शक होता या किसी को पता चलता, शी वॉज डेड, वो मर चुकी होती है। एंड द रॉजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उसके हाथों से उसकी माला गिर जाती है जिसमें जान बिल्कुल नहीं होती। अरेंजमेंट्स वर मेड, पूरा अरेंजमेंट किया जाता है फॉर ग्रैंड मदर्स फर्नल, अंतिम संस्कार के लिए दादी माँ के। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो कम, दोपहर के समय हजारों की तादाद में चिड़ियाँ छत पर इकट्ठी हो जाती हैं बरांदा के अंदर। एंड सैट साइलेंटली, चुपचाप वहाँ सारी की सारी चिड़ियाँ बैठी होती हैं अराउंड ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी, दादी माँ के शरीर के चारों तरफ। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम, ऑथर की माँ, लेखक की माँ, कुछ रोटियों को तोड़कर उन चिड़ियों के लिए डालती हैं, लेकिन चिड़ियाँ उन रोटियों की तरफ देखती तक नहीं हैं और वो वहाँ बैठी रहती हैं। कुछ समय तक बैठी रहती हैं और फिर वहाँ से उड़ जाती हैं टू देम, बट द बर्ड्स जो No notice of the bread. When grandmother's dead body was carried, जब दादी माँ की शरीर को ले जाया जाता है off to be cremated, ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, the sparrow quietly flew away. चिड़िया चुपचाप वहां से उड़ जाती हैं. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और अगली सुबह जमादार आता है, स्वीपर आता है, और वो सारे टूटी हुई रोटियों को इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक देता है। This is the main point of the chapter. If you like the video, press the like button and subscribe the channel. Thank you. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.